ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में रविवार को भरोसे के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को नमन करते हुए भरोसे के सम्मेलन में अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि भरोसे का सम्मेलन सबसे पहले मुंगेली जिले के सरगांव में 25 मार्च को हुआ, जहां सभी लोग थे। लाखों की तादाद में किसान, मजदूर, नौजवान वहां पहुंचे थे। आज भी सभी आए हैं, आप सभी का स्वागत। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश का नेतृत्व किया, उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। भरोसे के सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी अपना उद्बोधन दिया। करीस और 68 सीट के साथ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाए के मौका देश हमन जो 36 वादा करे रहे वो वादा 17 दिसंबर के हमर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते और मंत्रालय में जाके पहला दस्तखत छत्तीसगढ़ राज्य के 19 लाख किसान मन के 10,000 करोड़ कर्ज माफ करने वाला कोई सरकार है, हमर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सरकार है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करो। भाई मन बहनी मन, खेती किसानी पहले घाटा के सौदा होते रहिस, अब खेती किसानी लाभ के काम होवत है। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था खेती किसानी के इर्द गिर्द घूमत है। पहले मात्र 16 लाख किसान मन भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के राज में धान बिकते रहे, हमर सरकार आने के बाद 24 लाख किसान मन धान बेचे थे। आज हमला लगत है कि जय भरोसा आप मन 2018 में करे हमर सरकार के मुखिया वो भरोसा 4.5 साल में पूरा करे के काम करे थे। आज हमला लगत है कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है, पूरा देश में जहां 8% है बेरोजगारी दर, वहीं छत्तीसगढ़ में 0.8% है। एकर मतलब ये है छत्तीसगढ़ के मानव संसाधन के ज्यादा से ज्यादा उपयोग कोई कर रहा है कांग्रेस के सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार है। साथी मन मुख्यमंत्री जी, हमारे साथीगण, मंत्रीगण, अमूमन मैंने देखा है कि हम लोग तो खुश होते हैं, लेकिन जो मुलाजिम होते हैं उनको मैं बहुत कम खुश देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे छोटे से छोटे मुलाजिम भी खुश नजर आ रहे थे। तो हमें लगता है कि जो राजीव जी का सपना था, आज हम राजीव जी की शहादत के दिन यहां इकट्ठा हुए हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका सपना साकार होता मैं यहां पर देख रही हूं। आज छत्तीसगढ़ का मॉडल जो हम सबको दिखा रहे हैं, ये सच्चे मायने में जमीन पर कार्य हुआ है। 4.5 साल से हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही, आज बच्चे बच्चे की जबान पर है। हम ये भरोसे का सम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन ये भरोसा पैदा कैसे हुआ है? ये काम ने पैदा किया है, मेहनत ने पैदा किया है। और बघेल जी को मैं बधाई देना चाहूंगी कि आपकी मेहनत आज जहां पर हम खड़े हैं। भरोसा के सम्मेलन में सबसे पहले मुंगेली जिला के सरगांव में 25 मार्च के आयोजन हो रही से उन्हें डॉक्टर चरणदास महंत जी, रविन्द्र चौबे जी, तमाम हमर मंत्री और विधायक मन वहां उपस्थित रही से। दूसरा सभा हुई बस्तर में, भाई मोहन मरकाम सहित तमाम सब साथी मन उपस्थित रहे और वहां मुख्य आकर्षण प्रियंका गांधी जी री से, शैलजा जी री ने
लाखों के तादाद में बस्तरिया साथी मन खूब स्वागत करी प्रियंका जी के दूसरा भरोसा सम्मेलन संपन्न हुई। तीसरा भरोसा सम्मेलन हमारे दुर्ग संभाग में, दुर्ग संभाग के सबो जिला के सबो विधानसभा से लाखों के तादाद में आए हमारे किसान मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, नगर सैनिक तमाम सब आए। सब जनला पाटन क्षेत्र के ओर से आप सबके हाथ जोड़ के नमन करा था, प्रणाम करा था। राजी जिला नमन करते हुए हमार सरकार वो रास्ता में चला थे ये बात कहते हुए मुला बहुत खुशी है। आज बहुत अकन योजना हमन शुरू करें। साकरा में राजीव गांधी के नाम से किसान सम्मान निधि, किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना 24,52,992 किसान ल आज पिछले साल जन धान बेचे तेकर पहला किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 1894.93 करोड़ रुपया आज आपके खाता में हस्तांतरित हो गए। कल बैंक खुली सबके खाता में पैसा पहुंच जाए। छत्तीसगढ़ ला दिवालिया बना दी। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल हमन पैसा कर्जा नहीं ले आन, देश के सब राज्य में कर्जा ले, केवल उड़ीसा और त्रिपुरा छोड़ के ऐसे कोई प्रदेश नहीं है जिन कर्जा नहीं ले हुई। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार अतेक सब करे के बाद भी कर्जा नहीं ले। तो किसान हमन पर लगातार हमन काम करा था। पहली तो 12 लाख किसान पंजीयन करा रही से और अभी राशि हमन वितरण कर रहे हैं 24.5 लाख से ऊपर किसान लो पैसा दे था, मतलब दुगुना से ज्यादा किसान लो आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ मिला थे। रकबा हमार बाढ़ गए, उत्पादन बाढ़ गए, ऐसा 50-55 लाख मीट्रिक टन खरीदा रही से ये साल 107 लाख मीट्रिक टन खरीदे, अब तो 20 क्विंटल लेके निर्णय ले ले, अब जाए 1.25 लाख मीट्रिक टन तक के। लेकिन आप देख ले ये साल 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, न बारदाना कमी है, न तौल में परेशानी हुई, न उठाव की कमी हुई, बल्कि मार्च महीना में हम सब सोचाए थे धान सब उठ गए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।